लिंक मैंने कुछ इसमें चैट में शेयर किया है, किसी भी क्वेश्चन अगर अलग से ओपन करना तो देख लो प्लीज। ये क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, केयर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बीएससी हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये गिवन है कि ये जो हमारे पास ट्री होगा ये बीएससी होगा। बीएससी मींस इसका ट्री का रूट अपनी लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे ग्रेटर होगा और राइट साइड के एलिमेंट से स्मॉल होगा। अब हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमें के स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे हमें एग्जांपल में दिया हुआ हमें के इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। अब अगर हम इसमें देखें, अगर हम ऐसा करें कि इसको सपोज करें एक सॉर्टेड एरे में सपोज कर लें, तो ये कैसे बनेगा, 1 2 then 3 4। अब इसमें केस स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हमें सपोज 1 का है तो हमारे पास 1 केस में ये 1 ही हम रिटर्न करेंगे। इस केस में अगर हमें कहा होता कि थर्ड एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो हम 3 यहाँ से रिटर्न कर देते, तो हमारे पास सॉर्टेड वे में है तो हमें इजी है रिटर्न करना। अभी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकंड में हमारे पास है 5 रूट गिवन है, हमें इसमें केस में हमें सिर्फ रूट गिवन होता है, बाकी हमें खुद ही फाइंड आउट करना होता है। 5 हमारे पास रूट है और हमने कहा है कि थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें ये पता होगा कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो सब लेफ्ट होते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट में मूव करते जाएंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट होते जाते हैं। अब 5 के लेफ्ट में क्या है, 3, 3 के लेफ्ट में 2 और 2 के लेफ्ट में 1। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा आ गया, 1 है। अब अगर हम इस केस में फाइंड आउट करें तो हमें थर्ड एलिमेंट कहा हुआ है, हमें कौन सा, 1 2 और ये 3, 3 हमारे पास थर्ड एलिमेंट होगा जो हमें रिटर्न करना होगा। किसी मेंबर के जहन में कोई बात हो तो मन में कोई आइडिया हो कि कैसे करेंगे हम इसको। अच्छा मैंने बिफोर भी मैं प्रोवाइड आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या इसमें पॉसिबल है कि ये हमारी लेंथ या नंबर ऑफ नोड्स से ज्यादा भी हो सकता है, लाइक अगर यहाँ पे 6 नोड्स हैं तो इज इट पॉसिबल कि के 7 हो? नहीं मैम, के उसके लिमिट में होगा, कंस्ट्रेंट में देखते हैं ना हम। k जो है 1 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है और n से भी लेस देन इक्वल टू, n नंबर ऑफ नोड्स है तो k उसी में लाया करेगा, उसी लिमिट में लाया करेगा। ओके, आई कैन शेयर माय आईडिया बट आई विल सजेस्ट कि क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले खुला हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि कोई और इस पर काम करे। मैम कह रही कोई और क्वेश्चन कर लें हम? नहीं नहीं मैं कह रही हूँ कि कोई और इस पे कौन, अगर हम इसमें ये कहें कि हमें कोई कंस्ट्रेंट ना हो कि स्पेस नहीं यूज करनी, या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक हीप बना लें, ट्री के ऊपर ट्रेवर्स करें और हीप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा जो एलिमेंट्स जो उनसे हैं। अब हमें के स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम बेस्ड ऑन मिन हीप बनाएंगे कि मिनिमम एलिमेंट ऊपर हो और मैक्सिमम एलिमेंट उससे नीचे की तरफ हो, ठीक है? ये हमारा ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा वो मिनिमम होगा नीचे वालों से, तो फिर बाद में जब मिन ही बन जाए तो हम के जो उनसे एलिमेंट माइनस कर लें, पॉप करवा लें ही में से, तो हमारा वो एलिमेंट निकल आएगा। एक वे तो ये है,
जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी, जितना हमारे पास ट्री के नोड्स हैं हीप का भी साइज उतना ही होगा वो फैन। ठीक है, एक वे तो ये है। सेकेंड वे हमारे पास क्या हो सकता है कि हम, क्योंकि उसने हमें सॉरी क्या, जी मैम, फॉर इंटरप्शन, जस्ट मैंने इसमें हीप में ये बताना चाह रही थी, जस्ट एडिशन करना चाह रही थी नेक्स्ट अप्रोच। मेरी ये एडिशन है कि क्योंकि आप हीप में एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं ना, तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं ओ एन से, क्योंकि आपने के स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड करना है ना, तो आप जस्ट के जी एलिमेंट्स को अपने हीप में रखो, तो देन योर स्पेस विल बी रिड्यूस टू ओ के इंस्टेड ऑफ ओ एन। जी ठीक है। इट मींस के जैसे हमारे वो तीन से एलिमेंट सपोज करने बढ़ने लगते हैं, तो इन दैट केस हम तभी पॉप करवा दें बजाय के एंड पे जाके पॉप करवाएं। ठीक हाँ, हम है, टॉप पे से जो एलिमेंट, अगर करंट एलिमेंट हमारा स्मॉलर है टॉप वाले एलिमेंट से, क्योंकि हमारी मेन हीप होगी ना, तो अगर टॉप एलिमेंट से स्मॉलर एड्स नहीं कि वो के स्मॉलर एलिमेंट्स में आ रहा है, हम टॉप वाले को हीप से पॉप करवा के तो करंट एलिमेंट को हीप में पुश करवा देंगे। जी ओके। और सेकेंडली जो है मेरे ख्याल से कि हम ट्रेवर्स करें, क्योंकि के हमें स्मॉलेस्ट चाहिए और स्मॉलेस्ट हमें पता है कि ऑन द राइट लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे मिल ना रहा हो, सारे राइट साइड पे हो, तो इन दैट केस यहाँ पे के स्मॉलेस्ट हमारे पास फिर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अभी हम ये सपोज करके चलते हैं कि लेट्स सपोज हमारे लेफ्ट साइड पे है, हम क्या करें अप टू ऑन द फुल लेफ्ट साइड पे चले जाएं। ठीक है, जब फुल लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो देन जब बैक की तरफ आए ना, तो हम अपना जो के है उसको हम माइनस करते रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये एक के गुजर चुका है, इट मीन्स एक हमारा जो सा वो कम हो गया, देन एक हमारा ये आ गया के, ये टू वाला, इट मीन्स एक और हमारा के कम हो गया। देन हम इधर आए और इधर आके हमने देखा कि के तो अब हमारे पास लास्ट था, तो इट मीन हमारा ये रिक्वायर्ड के आ रहा है थर्ड एलिमेंट जोन से। ठीक है, आई थिंक सो ये एक सेकंड वे इसका हो सकता है। तो इन दिस केस हमें रिकर्सिवली कार करना पड़ेगा, और सेकंड वे उस केस में भी रिकर्सिवली भी कार सकते थे, उस केस में हम हाँ रिकर्सिवली उसमें भी करना, क्योंकि पूरे ट्री को ही करना पड़ेगा हमें। लेकिन स्पेस इस केस में हमारे पास रिकर्जन की आएगी, उस केस में रिकरियन और साथ हमारे पास जो हीप बन रही है केस है इसकी, उसकी भी आएगी। जी सर, ठीक है ना, ओके सर, ये जो मैंने रिपोर्ट किया हुआ इसी तरह किया हुआ तो जिस तरह आपने बताया ना। ओके, क्या हम लेफ्ट ये साइड आपने को सेकंड वे फिर वाला जो मैंने सेकंड वे बताया उसके तरह किया ना। जी सर इसी तरह किया कि लेफ्ट की तरफ साइड पे मूव करते जाएंगे, जब हम फाइनल लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे तो वहां से हम बैक ट्रैक करेंगे, और जैसे जैसे हम बैक मूव करते जाएंगे हम के को माइनस करते जाएंगे, फिर हम चेक कर लेंगे कि जब हमारा के 0 होगा तो फिर हम वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे, मतलब वो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, तो वो रूट की जो वैल्यू होगी वो हम रिजल्ट में रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर, सही है, ये इसको डिस्कस करें हम को। मैम एक दफा ड्राई रन करके बता दूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। सर ये कोड पे करूँ, इस पे करूँ, फ्री पे कह रहे हैं आप? जी अच्छा, स्टार्ट में हम क्या करेंगे, हमने एक इंट का वेरिएबल बनाया, रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लिया, और हमने एक हेल्पर फंक्शन बना लिया इन ऑर्डर के नाम से, क्योंकि ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होंगे इसमें, इस केस में हमने इसमें अगर चेक किया अगर रूट नल है तो हमने उसी वक्त रिटर्न कर दिया, क्योंकि वही हमारे पास के स्मॉलेस्ट एलिमेंट के केस में हमने वहीं से रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर नहीं है तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पर मूव करते गए, इसके प्री के लेफ्ट में पहुंचे, जब हम यहाँ पे पहुंच गए तो हमने फिर इसको यहाँ से रिवर्स साइड पर शुरू कर दिया, अब हम के को माइनस करते गए, यहाँ पे जब हम थे तो हमारे पास क्या था, के हमारे पास था 3, स्टार्ट में हमारे पास के 3 है, के हमारे पास 3 था, अब जब हमने यहाँ से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट किया तो के को माइनस किया, यहाँ पर के 2 हो गया इस 2 पोजीशन पे, देन हमने देखा कि ये के अभी भी 0 के इक्वल नहीं है, फिर हम रिवर्स पे गए, फिर के जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो के हमारे पास 0 हो गया माइनस करके,
हमने चेक किया कि के 0 हो गया, तो हमने रिजल्ट में वैल्यू 2 की रिटर्न कर दी है, 3 की रिटर्न, 3 हमने रिटर्न रिटर्न कर दिया रिजल्ट में। अगर हमें इस साइड पे नहीं मिलेगा तो फिर हम राइट साइड पे चेक करेंगे, जैसे जैसे जो भी है। जिस तरह हम पहले अप्रोच बात कर रहे थे कि हम स्टैक को हीप से कर सकते हैं, उसी तरह हम स्टैक से भी कर सकते हैं। हम स्टैक इसके लिए बना लेते हैं और स्टैक में सारे एलिमेंट्स पुश करते जाते हैं, फिर बाद में हम उसी में से पॉप कर लेते हैं, और जितना हम पॉप करते हैं उतना हम देख लेते हैं। उसमें ये है कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, एफिशिएंसी इस केस में थोड़ी सी कम है। इसका कोई क्वेश्चन हम है? स्टैक के थ्रू किस तरह करेंगे, मतलब हाँ, स्टैक में हम पुश किस ऑर्डर में करेंगे, जैसे जैसे आएंगे तो पुश करते जाएंगे जिस टाइम में। जैसे इस तरह से पहले 3 था, तो पहले 3 को हम पुश करेंगे, फिर हम इसके लेफ्ट को मूव करेंगे, ये 1 चेक करेंगे, 1 पहले 1 को देखेंगे, 1 नहीं है तो फिर हम 1 के लेफ्ट पे देख चेक करेंगे, लेफ्ट पे नहीं है फिर 1 को ट्रैवर्स करेंगे, 1 को स्टैक में कैसे नहीं, 1 को स्टैक में पुश करेंगे। नहीं मतलब मुझे ये नहीं क्लियर हुआ, स्टैक में हम किस ऑर्डर में पुश करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना स्टार्ट करेंगे। प्री ऑर्डर में करेंगे सर, पहले रूट को करेंगे फिर लेफ्ट और देन राइट। ठीक है, पहले रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट, और हम जो गेट कर रहे होंगे वो जब हम पॉप करवाएंगे एलिमेंट्स वो किस तरह किस लेवल पे, मतलब वो हमें पता चलेगा कि ये ही लेवल जो है वो के एलिमेंट है हमारा। पहले हम सर इन ऑर्डर ही करेंगे, उसमें भी स्टैक में भी पहले हम लेफ्ट पे करेंगे, लेफ्ट पुश करेंगे फिर राइट, फिर रूट पुश करेंगे फिर राइट करेंगे, वरना तो हमारे पास उसका वो सीक्वेंस ही खराब हो जाएगा। ठीक है, करके देखने फायर रन इस पर कैसे होगा। जी करके देख लें आप। अगर हम इस पे हैं, 3 पे हैं, तो हम पहले इसके लेफ्ट पे मूव करेंगे, लेफ्ट पे 1 है, अब इसके लेफ्ट पे कोई नहीं है तो हम 1 पे स्टॉप में स्टॉप करेंगे। स्केप ड्राइव को देखिए 2 है, फिर हम पॉप कैसे करेंगे। तो बाद अगर हम 3 को करते हैं, आई थिंक सो ये ना स्टैक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। उसकी रीजन ये है कि हमें आइडिया किस तरह होगा कि वो थर्ड एलिमेंट ही है स्टैक में, ठीक है, बनेगा तो या स्टैंड तो अगर वो लेफ्ट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा रूट का, ठीक है, उसके यहाँ से बनेगा नहीं फिर के हमेशा रूट या के तो लेफ्ट फिर पे जो आप रूट इसको ये समान कहेंगे होगा। स्टैक की लेंथ अगर 3 हो जाती है, इट मींस मतलब के हो जाती है एक एक तरह से, तो इट मींस आपका जो भी एलिमेंट है वो स्टैक के टॉप पे पड़ा है। जी सर,
ठीक है, जीएसटी है ना? जी सर। ओके चलिए हम फिर क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। है आपके पास तो आप ओपन कर लें। नहीं सर मेरे पास नहीं है, आप कर लीजिएगा शेयर। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर हो रही है। ओके ये क्वेश्चन हम 6 PM में देख रहे थे, तो मैम फिर जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि हम इन पहले तो इसका रिमाइंडर ले लें जो भी नंबर है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम 20 का कह रहे थे, ठीक है, तो 2 10s are 20, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आता है, ठीक है। 2 5s are 10 और रिमाइंडर इन दिस केस अगेन 0 आता है। 2 2s are 4, लेकिन अब हमारा रिमाइंडर 1 आता है, और 2 1s are 2 और रिमाइंडर 0 आता है। अब बाय डिफॉल्ट जो 20 की बिट्स बनती है ना वो हमने नीचे से ऊपर की तरफ रीड करनी है, ठीक है। विच मीन्स ठीक है के 1 0 1 00 जो है वो हमारा 20 रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको रिवर्स करने का मतलब ये है कि हमने जो बिट्स नीचे से ऊपर की तरफ रीड किया उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ रीड कर लें, ठीक है। ये हम इतना केस वो था जो हम 6 PM में कर चुके थे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे रीड करने का मतलब यह है कि 0 0 1 0 और 1। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर हम एग्जांपल पर 1 में देखें ना तो ये हमें एक बाइनरी नजर आ रही है, बट ये बाइनरी नहीं है। इसके अगेंस्ट जो नंबर बनता है ना ये वो नंबर है, जो भी नंबर इसके अगेंस्ट बनता है। यहाँ पे उसने ये बताया है कि इसके अगेन जो नंबर बनेगा वो आपका ये बनेगा 4 3 2 6 1 5 9 6, ठीक है। ये नंबर जो है ये वाला बनेगा, तो हमने क्या करना है उसकी बिट्स जो है ना रिवर्स करनी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑन द राइट मोस्ट साइड 0 0 1 1 1 है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 0 0 1 1 1 स्टार्ट की तरफ है। सेम एज इट इज, इसको आप ऐसे रिवर्स में रीड करें ना तो आपकी सारी की सारी ये बिट्स इस तरफ को रीड हो रही होंगी, ठीक है, रिवर्स हुई है। और अब हमने क्या करना है, ये जो रिवर्स हुई है ना हमने इसका जो नंबर बनता होगा हमने वो रिटर्न करवाना है उसको, ठीक है। नो अब इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ये तो इजी काम है कि हम 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ठीक है, प्लस कर दें, 0 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ठीक है, प्लस कर दें 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके, 0 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके, और अगेन 0 को, मतलब हर बिट को ना बाइनरी में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 0 से मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। और इस हर एक नंबर के ऊपर ये पावर 0 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, पावर 3 है और पावर 4 है। नो इसका कौन सा 2 की पावर 0 1 होगा तो ये आंसर 1 आ जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो 4 हो जाएगा, ये 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। विच मीन्स हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा इसका इसका जो आउटपुट होगा ना वो 5 होगा। ये मैंने सिंपल 20 का लिया है, ठीक है, इसकी जितनी बड़ी होगी तो उतना ही मतलब उसका अपोजिट आंसर जो भी आ रहा होगा वो बनता होगा, ठीक है। क्लियर है इधर तक? किसी और को या क्वेश्चन है? किसी का अगर कोई क्वेश्चन है जो कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। सर हम इसको सर एक क्वेश्चन इसका ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
हैं, जैसे मतलब हम एक आम क्वेश्चन में रिवर्स वाले, रिवर्स स्ट्रिंग या लिस्ट वाले में वो रिवर्स करके और हाँ जी, मेनली हमें ना रिवर्स ही करना है, मतलब रिवर्स बिट्स और 32 बिट्स अनसाइंड इंटीजर। बट इसके अंदर हमें बिट्स नहीं गिवन है अभी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं ये हमारे पास एज अ स्ट्रिंग के अंदर कोई बिट्स गिवन है, ये इस तरह नहीं गिवन भी। इसके पीछे जो नंबर बनता है ना इन बिट्स का, ठीक है, वो गिवन है हमें। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस एन को जो है मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट करो एन को और जस्ट एक रन करने के लिए रिटर्न जीरो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसकी जगह जो है कोई एक नंबर आ रहा होगा जो कि ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है, ये 43 वाला, ठीक है। यस सर, विच मीन्स हमें ये बाइनरी नहीं गिवन है अभी, हमें इसके जो नंबर है वो एक्चुअली में गिवन है, ठीक है। सर वो अब secondly, आप अगर इसकी वो इसको जरा अप्रोच दोबारा जरा से एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो जरा अच्छा हो जाएगा। ओके हमें उसने मेनली कहा गया कि आपने जो भी ये नंबर नंबर बिट्स में कन्वर्ट हो रहा है ना उसकी बिट्स अगर ये बनती है, आपने इसको करना रिवर्स करके रिटर्न करना है इन बिट्स को, ठीक है। रिवर्स का मतलब ये है कि अगर पहले हम फॉरवर्ड की तरफ रीड कर रहे थे तो आप दोबारा बैकवर्ड की तरफ रीड करें तो ये वाला आंसर बनना चाहिए, ठीक है। इसको एक दफा आप खुद देखें, कंपैरिजन करें, अगर मैं इसको ऑपोजिट रीड करता हूँ क्या ये फॉरवर्ड वाला आंसर बनता है, मतलब ये 00111 पीछे की तरफ से रीड कर रहा हूँ और यहाँ पे ये आंसर फॉरवर्ड की तरफ बन रहा है, एक दफा इसको रीड आउट करें, बन रहा है। No. अब बाय डिफॉल्ट जिस तरह हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में जो कन्वर्जन है वो हमने हमें पता है कि किस तरह होती है, कि आपको कोई भी अगर नंबर गिवन है, मैं इतना बड़ा नंबर नहीं ले रहा, मैं सिंपल 20 को ले रहा हूँ, 20 की हमें एज अ डेसिमल गिवन है जिसकी बेस डेसिमल में 10 होती है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, ठीक है। बाइनरी का मतलब है कि आप 20 का जो आंसर है वो एलसीएम ले लेंगे 2 के साथ, ठीक है। अब जब मैं LCM ले रहा हूँ 2 tens are 20, विच मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, ठीक है, क्योंकि 20 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो मैंने उसकी जगह पे 0 लिख दिया। 2 5s are 10, 10 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, इट मीन मैंने उसको 0 लिख दिया। अब 5 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 2 4s are 2 2s are 4 होता है, 2 2s are 4 होता है, बट वो एक 1 बच रहा है तो वो मैंने 1 एज अ रिमाइंडर के तौर पर लिख लिया। yes. और 2 1s yes, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये हमने तब तक करना होता जब तक यहाँ 1 नहीं पहुंच जाता, ठीक है। और जो बाइनरी हम राइट डाउन करते हैं ना वो हम नीचे से ऊपर की तरफ राइट डाउन करते हैं, ठीक है। 20 की जो बाइनरी रिप्रेजेंट होगी वो इट मींस 10100 होगी, ठीक है। yes, ये तो था 20 की। अब हमने अगर इसको रिवर्स रीड करना है, रिवर्स रीड करने का मतलब ये हमें आंसर बनाना है इसको इस तरह का, तो इसको किस तरह हम लिखेंगे, 00101 विच मीन्स इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो डेसिमल में इसका जो आंसर होगा वो 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। यस सर, तो इन सिंपल वर्ड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 होगा अगर 20 गिवन होगा तो, ठीक है। यस सर, ओके। नो अब मैम फिजा मुझे बताइएगा मैंने ये कोड ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि एवरी टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो पहले आंसर डिक्लेयर कर लिया, एक मैंने पावर ले लिया है, पावर इसलिए लिया है कि जो सा हम करंट नंबर जो भी आएगा हमने उसको एज अ मल्टीप्लाई बाय 2 और उसकी पावर लेनी है, ठीक है। और जो भी रिमाइंडर लेंगे उसको हम पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसके साथ और आंसर में उसको फिर हम ऐड करते जा रहे हैं और एवरी टाइम नंबर को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। अच्छा, और फिर पावर प्लस, ओके, पावर प्लस इक्वल्स 1, ठीक है, ये भी फाइन है।
अच्छा एक तो चीज में हम ना मतलब थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हैं कि जब हमारे पास वो होगा लाइक जब हमारे पास जीरो होगा तो हमें है ना ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ANSPlus इंटरम मतलब 9 वाली, तो बस हम ये एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि अगर अगर हमारे पास ये 1 के इक्वल है तो तब पावर लो अदरवाइज ना लो। अच्छा और सेकेंड चीज इसमें अगर आप इसको रन करें कोड में तो मुझे ये ठीक लग रहा है, पर मुझे एक चीज इसमें पता है क्या लग रही है कि हमें 0 तक जाना चाहिए। लेट्स जस्ट टेक दिस 20 अगेन, इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये मुझे लग रहा है कि लास्ट वाले को जो है ये करेक्टली नहीं पिक कर रहा। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने इसका रिमाइंडर लिया, दिस इज द रिमेनिंग N10 रह गया और आपका रिमाइंडर था 0, आपने 0 लिया, आंसर में अभी आपका 0 हो गया ठीक है, और आपकी पावर अभी करेंटली थी। अच्छा पावर जीरो आपने इस तरह से नहीं लेनी है, आपकी पावर क्योंकि आप इस तरह कर रहे हैं ना आपको इसको 5 में कन्वर्ट करना है तो ये इस तरह से बनेगा ठीक है। तो आपने पावर अपनी स्टार्ट करनी है फ्रॉम दी वेट अ सेकेंड, पावर आपकी क्योंकि ये होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू द पावर 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 होगा। तो इसको आपने स्टार्ट पावर को इधर से नहीं करना, 0 से नहीं करना आपने इसको, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विद किस वैल्यू से स्टार्ट होगा भाई, तो ये 32 से, सॉरी हाँ क्योंकि 32 बिट इंटीजर है ना, तो यू विल हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 32 ठीक है। तो एक तो पहले इसको सही कर लें कि इसको आप 32 से स्टार्ट करें, एवरी टाइम यू विल मैम ये डिक्रीज, 32 से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना उसने कहा है कि आपके पास जो इंटीजर है वो 32 बिट इंटीजर गिवन है ठीक है, 32 बिट अनसाइंड इंटीजर गिवन है, मतलब ये साइंड नहीं है अनसाइंड इंटीजर है ठीक है। अब उसने ये क्योंकि 32 बिट गिवन है ना, तो अगर आपके पास 5 भी गिवन है ना तो इट्स मीन कि वो रिप्रेजेंटेशन उसकी 32 बिट्स में है, मतलब सारी 32 बिट्स कर करके एट द एंड इस तरह से बन रहा होगा, इनिशियली सारे जीरोस होंगे और फिर एट द एंड 3 बिट्स ही होंगी। ठीक और है 32 से हमने करना क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको फॉरवर्ड मूव करा रहे हैं ना, फॉरवर्ड हम लोग ये ले रहे हैं रिमाइंडर्स, तो रिवर्स क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल आंसर था, ओरिजिनल था 101 00, और हम क्योंकि इसको ठीक रिवर्स है कर रहे हैं 00101, तो हम लोग और हम लोग जब पावर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें हाईएस्ट पावर से पिक करना है ना कि लोएस्ट पावर से, तो इस ठीक वजह है। से इट हमें मींस यहाँ कि पे हमें पावर जो से वो 32 से स्टार्ट करनी पड़ेगी और माइनस फिट करना पड़ेगा उस पावर को। यस ठीक इसको है रन करके देखें, इसमें हो सकता है चलता है बट आई फील इट इट शुड गो टू 0 बट लेट्स सी। या आई थिंक इट शुड गो टिल दी 0 क्योंकि एक चीज इसमें भी मिस हो रही है, आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। हाँ ठीक है, नहीं एक सेकेंड, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, नहीं नहीं ठीक है सॉरी, 0 तक जब आपका एन 0 पे चला जाएगा दिस इज फाइन, एन इज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्योंकि अच्छा अब वो इसको इन्फिनिट लूप में एग्जैक्टली नहीं तो चला जाए। अच्छा इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, वाई इज इट गिविंग द करेक्ट आंसर। आपने इनिशियली 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू द पावर 4 कर दिया, अच्छा उसके बाद आपका एन जो था वो बचा, यहाँ पे लिख लेते हैं एन आपका था 10 ठीक है। अच्छा अब इधर है पावर आपकी हो गई, आपने इनिशियली हम इसको ले लेते हैं 32 की बजाय जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट्स सपोज यहाँ पे 4 थी हाईएस्ट पावर हमारी ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ से हमने 4 ले लिया ठीक है, अच्छा पावर माइनस इक्वल्स 1। अच्छा नहीं इसमें एक प्रॉब्लम ये भी तो होगी ना, जरूरी तो नहीं कि हमने इसको 32 से पिक करना है, हाँ पावर को एक तो जस्ट 31 करना है नॉट 32, हाँ ठीक है सही है पावर 31 इसलिए करेंगे हाँ क्योंकि जीरो से लेके 31 जो 32 काउंट होगा, 0 से 31 तक वो 32 एक्चुअली में काउंट जो है उनका। यस। ठीक है ना। अच्छा इसमें ना मैं एक ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाह रही थी, वैसे इसको पहले सबमिट करें, आई डोंट आई थिंक ये भी चल जाएगा, लेकिन मैं चाह रही सबमिट थी तो हो कि जाएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन में सबमिट आई थिंक हो जाएगा अगर करेक्ट आंसर आ रहा है। सही। अच्छा अब मैं ये सोच रही थी कि इस चीज को हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग पावर व्हाट वी कैन ट्राई टू डू इज के हम बिट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज कर लें, क्योंकि वो 1 टाइम ये तो हमारे पास लेगा, आई डोंट नो इसको कितनी मतलब ये डिपेंडिंग ऑन द पावर होगा ना, मल्टीप्लीकेशन उतनी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर पावर 4 है तो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई और होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन के हाउ मच पावर यू हैव, मतलब पावर आपकी पावर की वैल्यू क्या है ठीक है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑफ 1 में विद बिट शिफ्ट ऑपरेटर,
हाउ वी कैन डू दिस इज, क्योंकि हमारे पास इनिशियली पावर है 31, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू है लाइक अगर हमारे पास इस तरह से होता है ना 0001 00, लेट्स सपोज इस तरह से आपके पास, ठीक है, अब आपने इसको इंक्रीज करना है, ठीक है, इस वैल्यू को, तो इनिशियली तो आपकी, या फिर इसको ऐसे लेना है, ठीक है, आपके पास अगर इस तरह से कोई वैल्यू भी बना, ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट शिफ्ट पे लेफ्ट पे ऑपरेट पे मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 01000, ठीक है, फिर आप इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 001 और आगे सारे जीरोस, तो हम मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से फिर ये कि पावर वाली चीज जो है ना ये O1 में परफॉर्म हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अगर इसको आप फॉर एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपके पास 1000 पड़ा है तो इसकी वैल्यू है 8, ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड बाय 2 करना है ना, तो आपको मतलब वो मतलब पावर के थ्रू करने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप सिर्फ इसको लेफ्ट शिफ्ट सॉरी राइट शिफ्ट कर दें बाय 1 तो ये बन जाएगा 4, आपने 4 को डिवाइड बाय 2 करना है तो आप सिंपली इसको ऐसे कर दें राइट शिफ्ट कर दें बाय 1 तो ये आपका बन जाएगा 2, तो ये हम कर सकते हैं इसको डिवीजन के केस में, और अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो व्हाट वी कैन डू इज कि आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, इनिशियली, और आपने एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप लेफ्ट पे इसको शिफ्ट करा दें, आपने लेफ्ट पे इस 1 को शिफ्ट कराया तो ये आपका बन गया 0010 जो कि आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 2, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई 2 फर्दर करना है मतलब 4 में कन्वर्ट करना है, तो आपने करना है 0 मतलब इस 1 को लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेट लेफ्ट शिफ्ट पे कर दिया तो ये आपको बन गया 4, फिर इसको 8 में करना है तो ये 1 लेफ्ट पे शिफ्ट किया आपको बन गया 8, तो दिस विल टेक ओनली O1 टाइम, एंड इस तरह हम जो है ना बिट शिफ्टिंग के थ्रू ये वाली पावर वाला काउंट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये समझ आइए लाइक इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है इसको तो पाइथन में हम पाइथन मैंने शिफ्टिंग की नहीं, C++ में तो C++ में जो उनसे डबल बैक लेस देन लगाएं तो वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है और डबल ग्रेटर देन लगाएं तो वो राइट शिफ्ट हो जाता है। हाँ पाइथन में पाइथन मैंने राइट नहीं किया अभी, बट मुझे देखना पड़ेगा सिंटैक्स क्या है फिर इसका। सही, मैं आपको ना यहाँ पे बता देती हूँ इसको हमने कैसे करना है। हमारे पास इनिशियली हमें पावर के लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम आई गेस सिंपली एक कह सकते हैं कि करंट वैल्यू, या इसको आप करंट बिट कुछ भी कह दें, करंट बिट पे क्या वैल्यू है पावर कहने की बजाय, ठीक है, और इनिशियली हम लोग क्योंकि एवरी टाइम वैल्यू को हम लोग लाइक फर्स्ट टाइम पे वी आर टेकिंग द लार्जेस्ट वैल्यू राइट, और फिर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर इज कि हम सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लें, या फिर हम इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, नहीं नहीं हमें लार्जेस्ट ही लेना पड़ेगा, फिर हमें उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा एवरी टाइम, ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट वैल्यू को लें, आई थिंक मैक्स के लिए आई डोंट नो 32 बिट में हम मैक्स वैल्यू कैसे इंटीजर, अच्छा खैर मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये पाइथन में देखना पड़ेगा, चलो इसको बाद में कर लीजिएगा, बस मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि इसके अंदर हम 32 बिट इंटीजर की वैल्यू को कैसे लेते हैं लार्जेस्ट वाले, तो नहीं मैक्स सेंट होता है, फ्लोट इन्फिनिटी तो नहीं होता क्योंकि हमारे पास 64 बिट तो वो C++ में होगा, इसके अंदर इस तरह नहीं होगा, इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, चलो इसको फिर हम बाद में भी देख सकते हैं, बट आइडिया तो समझ आ गया होगा ना इसका जी। ओके इसी को भी कर लेते हैं वैसे को उसी से रिलेटेड है, एक दफा इसको रीड आउट सब कर लें तो फिर हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
सर इसमें ऐसा हो सकता है कि हम जैसे हमारे पास नंबर आएगा हम पहले इसमें से ना वो जीरो रिमूव कर लें जो एंड पे होंगे सारे, मतलब आप इसके एंड पे 600 होता है, जीरो को खत्म कर देते पहले। हाँ, ये कह रहे हैं तो फिर हाँ जब जीरो ही खत्म हो जाएंगे फिर वो देख फिर तो हो जाएगा ना चेक। जैसे मतलब ये 1800 है ना, मतलब जब ये रिवर्स होगा अभी इसका रिवर्स करेंगे तो वो 0018 बनेगा, तब वो जीरो उसमें से खत्म कर देंगे ना। लेकिन 0-0 अगर हम खत्म करते हैं ना तो वो ये वाला केस नहीं कि चेक होगा फिर, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपने दो दो बार रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज ये 6526 है, एक दफा इसको रिवर्स किया तो 625 हुआ, ठीक है, दोबारा से इसको रिवर्स किया तो 526 हो गया। तो ये जो दूसरी दफा रिवर्स करने का जो आंसर आ रहा है वो क्या ओरिजिनल के बराबर है? अगर तो है तो रिटर्न ट्रू करना है, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करना है। ये एक क्वेश्चन है मेनली। या तो हम इसका एक रिकॉर्ड रख लें पहले, ठीक है, इसका एक रिकॉर्ड रख लें, देन इसको रिवर्स करें और अगेन रिवर्स करेंगे। नहीं, फॉर एग्जांपल 0 को फिर हम इधर से खत्म कर देंगे ना। यस सर, मैं वही कह रहा हूं, जैसे 1800 आया तो 1800 को हम रिवर्स करेंगे तो वो बन जाएगा 0018। तो जो हमारे पास रिवर्स शुद्ध आएगा ना उसमें से दो जीरो मिटाएंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे और फिर उसको से मैच करेंगे कि होता है कि नहीं होता, पर वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। इसका नया सॉल्यूशन रिमूव करने के लिए हम उसको डिजिट बाय डिजिट देखना पड़ेगा कि जीरो है कि नहीं। और ये इसका नंबर मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट से इसकी जो जीरो वो हमें चेक करने हैं तो हम डायरेक्टली यही देखें कि अगर तो जो हमारे नाम है उसके लास्ट पे लाइक जीरो आ रहा है तो वो सिंपल सी बात है फॉल्स होगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम रिवर्स करेंगे तो वो जो जीरो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और लाइक जब वहाँ पर अगेन उसको रिवर्स करेंगे तो वो सेम वैल्यूज नहीं आएगी। तो ये अगर हम यहाँ पे कंडीशन इस केस को आप देखें 1100 है, इसको एक दफा रिवर्स करें तो 0011 आ रहा है, अगेन रिवर्स करें तो 1100 आ रहा है, ये सेम आ रहा है। ये जा नहीं नहीं सेम नहीं होगा सर, इसमें आपको एग्जांपल में उन्होंने क्या कि लेटिंग जीरो हमने ही ऐड करेंगे, उन्होंने क्या जब पूरी रिवर्स हो जाएगा ना सर, ये 00 खत्म हो जाएगा। ओके, इट मींस कि अगर शुरू पे आ गया तो ये हमारा खत्म हो गया था, ठीक है, तो इन दैट केस वो सिर्फ हमारे पास 1-1 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इन दैट केस ये चीज नहीं होगी, क्रॉस हो जाएगा। सर हम डायरेक्टली जीरो रिमूव आई थिंक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लास्ट एग्जांपल में देखें एग्जांपल नंबर 3 में वहां पे जीरो ही है ना, अगर इस तरह का केस आ जाएगा और हम जीरो ही को रिमूव कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर हम वो हम चेक लगा लेंगे कि अगर सिर्फ जीरो ही है तो उसको सिर्फ रन ट्रू कर देंगे, अगर है जीरो मतलब, या अगर एक ही करेक्टर है उसमें अगर मतलब उसकी लेंथ ही वन है तो फिर तो उसको सिर्फ ट्रू कर देंगे। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको इस तरह की इनपुट गिवन है क्या ये वैलिड इनपुट होगी या फिर ये इनवैलिड होगी, क्या चेक कर सकते हैं इसको कंस्ट्रेंट्स में? नंबर 0 से लेके 10 रेज पावर 6 तक है, इसका मतलब 0 ही है ना? अच्छा, इसका मतलब है इस तरह की इनपुट नहीं होगी क्योंकि इंटीजर है तो ऑब्वियसली वैलिड इंटीजर होगा, इस तरह की भी नहीं होगी 0102 वैलिड इंटीजर होगा तो जी।
या कोई बेटर ऑप्शन किसी के दिमाग में हो, कोई बेटर सॉल्यूशन, लाइक सिंपल वे तो यही है कि आप जीरो को ही रिमूव कर दें, लाइक जो आप लोगों ने बताया. और द मोस्ट सिंपलेस्ट ये हो सकता है कि आपने इसको पकड़ा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो ये स्ट्रिंग बनी 5 to 6, फिर आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, मतलब इसको रिवर्स किया स्ट्रिंग को, और फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो यू विल गेट इवन के आंसर ठीक है या नहीं. सिमिलरली आपका 1800, आपने 1800 को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को रिवर्स किया, तो रिवर्स करके बन गई 0018, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये बन गई 18, विच इज नॉट इक्वल टू योर एक्चुअल आंसर विच वॉज 8100. ये तो सिंपलेस्ट नाइव अप्रोच होगी ना आपकी. कोई बेटर अप्रोच किसी के माइंड में हो? मैम अगर हम इसका डायरेक्ट ही चेक करने के लाइक उसके एंड पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम इसको रिवर्स ना करें, लाइक हमारे पास यहाँ पे इंटीजर है. आप मुझे चलिए बताएं कि आपके पास अगर जैसे ये 5 to 6 है, अब इसके एंड पे तो जीरो है नहीं और आपने रिवर्स ही नहीं किया, तो हाउ वुड यू टेल के रिवर्स करने के बाद वापस इसको ओरिजिनल स्टेट में आप ला सकते हैं कि नहीं? इस कंडीशन में, इस केस में आप कैसे करेंगे इसको? मैम उन्होंने लाइक एक ही हमारे पास केस बताया है कि अगर लाइक इसके जो लास्ट पे जीरो आ रहा है, तो जब हम उसको फर्स्ट टाइम रिवर्स करेंगे तो वो क्योंकि जीरो स्टार्ट पे आ जाएगा, तो सिर्फ ओनली उस केस में हमारी जो रिवर्स हुई होगी, जो एक्चुअल नम होगी उसे मैच नहीं कर रही होगी. अदर देन दैट लाइक जो भी हमारे पास इंटीजर होगा उसको जब हम सेकेंड टाइम जब रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से लाइक वो ही आएगा जो यहाँ पे इनपुट में नाम दिया गया. इस एग्जांपल पे बताएं 2345 है, व्हेन यू रिवर्स इट इट बिकम्स 5432, व्हेन यू रिवर्स इट बैक इट बिकम्स 2345. अच्छा, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट सम अदर एग्जांपल जिसमें रिवर्स करने के बाद आप वापस इसको रिवर्स करें तो इट्स नॉट पॉसिबल. लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दैट. 1 2 1 3, ओके, तो ये बनेगी 3 1 2 1, एंड व्हेन यू रिवर्स इट बैक इट बिकम्स 1 2 1. आई गेस यस इट कैन वर्क, बट स्टिल आप, लेट सपोज आपको अलाउ नहीं है कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, how would you remove these zeros from the end in that case? kya kaise check karenge ki aapke end pe zero aa raha hai? then se reminder le lenge. haan ji ma'am, our reminder se hum check kar sakte hain. so ab last ki shayad check ho gayi reminder ke liye, lekin ठीक है, रिमाइंडर तो ले लेंगे 10 से जो लास्ट से जो है, लेकिन अगर ऐसा हो कि सेंटर ठीक है वो एक दफा शायद डिजिट आ जाएगा, ठीक है हो सकता है उस टाइम. सर मुझे रिमाइंडर वाली बात भी समझ आई, कैसे रिमाइंडर लेंगे इसका? सर इसका 10 मैम इसका 10 से रिमाइंडर लेंगे ना तो एंड वाला डिजिट खत्म होता जाएगा, ठीक है. अगर तो वो जीरो है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारा डिजिट मजीद छोटा हो जाएगा, 180 हो जाएगा 1800 से. सही, इस केस में दिस विल बी 6, लाइक 526 रिमाइंडर 10 लिया, तो व्हाट विल वी, तो अब इन दिस केस रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है, व्हिच मींस के हमारा एंड पे ना जीरो नहीं है अभी, तो हम कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे इसमें से. और इस केस में आप फिर ये कर देंगे सिर्फ सिंगल जीरो के केस में, ये इसको, इस केस में तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे इसमें जीरो आ रहा है, बट यू डू नॉट नीड टू चेक इट, यू कैन जस्ट टेक अ सेस ये हमारा एक सैनिटरी चेक करा लें कि एंड वाला केस है हमारा. सही, अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं इसको. इफ एनीवन एल्स वांट्स टू इंप्लीमेंट इट टुडे, किसी को पाइथन आती हो या अपनी से लैंग्वेज में, मीना जहां से जानते भाई, गेस आप भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट इट आई वुड सजेस्ट के पार्टिसिपेट करें इंप्लीमेंटेशन में भी. जुनेद आप ट्राई करोगे?
फिर इसमें सिंगल डिजिट हम चेक कैसे करेंगे कि सिंगल डिजिट है? सिंगल डिजिट के केस में भी आपका ये चलेगा ना, क्योंकि आप रिमाइंडर विद 10 ले रहे हैं, तो रिमाइंडर जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है, सॉरी 0 के इक्वल नहीं है, और सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो इट विल पुट मींस इट विल रिटर्न ट्रू. हम चेक कैसे करेंगे कि 0 है या नहीं रिमाइंडर में? सॉरी डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट है, ये कैसे हम चेक करेंगे अगर वो खाली एक 0 हो, सिंगल 0 है? अच्छा सिंगल जीरो में तो आप बस एक सैनिटी चेक लगा देना कि n is equal equals to zero तो सिंपली रिटर्न ट्रू. लेकिन अगर किसी और केस में आपके पास सिंगल डिजिट आ रहा है, उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10 के साथ रिमाइंडर ले रहे हैं. ठीक है, आप 1 का रिमाइंडर 10 के साथ नहीं बनने आएगा. मैम उस केस में बेशक आप एक रेंज लगा लेना कि अगर तुम्हारा डिजिट जो उनसे जो भी n आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 9 है, इट मींस आपका वो रिटर्न ट्रू ही होगा, बेशक आप जितना मर्जी उसको रिवर्स करते हैं, क्योंकि वो 1-1 डिजिट ही होंगे सारे, 0 से लेके 9 तक जो है. तरह भाई वो क्वेश्चन का लिंक तो भेज दें, अभी आपने ट्राई कर पाता तो जो अभी किया कोई. हाँ जी वो अभी ये जो कर रहे हैं दिवस वाला, वो मुझे लिंक मिल नहीं रहा. ओके मैं भेज देता हूं. तरह फिर आप लाइव इसको इंप्लीमेंट कर लें सामने. मैम एक्चुअली नेक्स्ट सेशन का लिंक आ गया, तो वो स्टार्ट होने वाला होगा. 10:56 हो गए, सही सही. चलिए गुड, एवरीवन पार्टिसिपेटेड टू डे, सो इट इज रियली गुड प्रोग्रेस. सो यस ओके, लव इज लव इज एवरीवन, लव इज अल्लाह. Yeah.